फॉल्स, आज मैं थक हार के गया था बीजेएमए में स्क्वाड वाइप के नशे करने, और वहाँ मेरे को मेरे जैसे ही तीन रैंडम बंदे मिले, पर मैं तो था मेरे चौमू चौदह वाले भी प्रो मोड ऑन में। लगता है भाई क्या ही कर लेंगे, झंडे गाड़ोगे था बस मैं ही, पर उतरते ही झटका मिलता है। मैं तो स्पेक्टेट कर रहा हूँ भाई, आजकल की ग्लीच ना भाई बहुत ग्लीच है, मतलब ही नहीं था। और भाई जिस बंदे झाड़ भर की उम्मीद नहीं थी, वही बंदा श्रीराउड स्काउट बन बैठा है भाई, एक के बाद एक बंदे लपेटे जा रहा है। और इस तरीके से अच्छे से बेइज्जत होने के बाद मुझे याद आता है ये सब चीज में मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे स्ट्रीमर्स के साथ भी ऐसा हो चुका है, जहाँ पे वो गए रहते रैंडम को अपना गेम प्ले दिखा के शॉक करने, और खुद रैंडम प्लेयर का गेम प्ले देख के शॉक्ड हो जाते हैं। क्यों है ना मजेदार। तो चलिए हम शुरुआत करते हमारे पहले नंबर स्ट्रीमर से, जो है मोर्टल। और मोर्टल को एक ऐसा रैंडम टीममेट मिलता है जिसे मोर्टल देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बंदा हैकर है या है प्रो। जहाँ पे प्रो स्टॉप द प्रो बंदे कुछ नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे सांप से भी जहरीला बंदा एक के बाद एक सांपों को चुन चुन के डसे आ रहा था। सरदार को कैसे दिख रहे थे? इधर इधर ही लेटा है। इधर लेफ्ट लेफ्ट। ओ हैकर है ये, कैसे पता? कौन नंबर 4 हैक किया भाई? मार दिया इसने भाई। क्या मार रहा है ये बंदा? आ रहा है ये बंदा, आ रहा है। हैक कर रहे हो आप? अरे नहीं, हैक करता तो इतना नहीं, मैं कब तक मार दिया होता सबको। सॉरी भाई, उसको दिख रहा है वो बंदा। ओके चश्मे में प्रॉब्लम है, या तो इसको दिख रहा है सब कुछ भाई। क्या पता, रुको इसके केडी चेक करते भाई। व्हाट अ मैच यार, कितने किल्स अपने 10 10 10 भाई, पता नहीं भाई, 5.42 केडी रेशियो है भाई इसका, सही तो लग रहा है भाई। नमन नमन सुन, वो तेरा स्पेक्टेटर ग्लिच हुआ था? नहीं नहीं नहीं, हाँ लोग बोल रहे हैं हो सकता है, ग्लिच में बंदे नहीं दिखते। छोड़ो ना, हो गया मैच खत्म। बट बंदा खेला तो बहुत सही भाई, कुछ भी बोलो मजा आया इसका गेम देख के, मजा आया। फाउल्स, आपका ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएगा, आपको क्या लगता है ये बंदा था हैकर या था एक प्रो। तो चले इसी बात में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रीमर की तरफ, जो है स्काउट। और स्काउट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो जाते गेम में थोड़ा जल्दी फिनिश, बट जब वो स्विच करके रैंडम प्लेयर को देखते हैं तो वो भी दंग रह जाते हैं। और वो रैंडम बंदे का इतना एपिक स्नाइपिंग देख के महावीर भी एक टाइम पे उसको हैकर सोच लेते हैं, बट स्काउट उस चीज को पूरा क्लियर कर देते हैं कि वो बंदा हैकर नहीं है। अरे तो वो ऐसा तो मैं भी मार सकता, अगर मैं फोर्स करके मारूं मार दूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को नहीं आदत है, मतलब ऐसा मैं चिल करता हूं, थोड़ा नॉर्मल वाला गेम प्ले। अरे 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 ये किसको? अरे अरे भाई भाई भाई, गॉड है ना मुकेश भाई, मुकेश ने गन फाड़ दी, मुकेश ने यहां से विंटेज पिस्तौल मार दिया बे। हां अरे दो बार मार दिया। अरे भाई ऐसे ही भाई, बुलेट ड्रॉप कहां तक, घर के ऊपर लगा के मार रहा है मुकेश को। मुकेश ने कहने वाले को छुपाया विंचेस्टर। अरे इसने गलती क्या कर रहा है, लौंडा हैक वैक तो नहीं कर रहा? नहीं 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 सही मार रहा है, बुलेट ड्रॉप चेक करके मार रहा है। गाइस हम लोग टीममेट मिल गया, ऐड करेंगे इसको। पूरा नाप को मार रहा है, प्रॉपर नाप के बुलेट, मतलब एक गोली मारता है, बुलेट उसका ड्रॉप होता है, फिर थोड़ा और ऊपर करके फिर मारता है, प्रॉपर मार रहा है। शैक के अंदर सब दो नॉक कर दिया है। अरे बैंच बॉट मुझे ट्राई गॉड अवार्ड। अरे ये गलत है, ये नहीं, मैं जा रहा हूं भाई। यार ये मेरा डिपार्टमेंट कर दो, अलग बंदे भर दे, बाकी भर दे भर दे भर दे। अरे अरे क्या कर रहे हैं दोनों?
फाउल्स, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको थोड़ा पसंद आ रहा है तो जल्द से जल्दी जाओ और लाइक कर दो ये वीडियो को, क्योंकि ना इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके लिए लेके आते रहने की। तो चलिए फाउल्स, इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रीमर की तरफ, जो है श्रीमान लेजेंड। पर यहाँ पे कोई रैंडम बंदा नहीं होता, यहाँ पे होता है उनके खुद का टीममेट। पर श्रीमान भाऊ को पता ही नहीं रहता उनका टीममेट ऐसे भी खेल लेता है। और जब चेतन भाऊ अपना खतरनाक गेम प्ले दिखाते हुए चिकन निकालते हैं तो वो गेम प्ले देख के व्यूअर्स से भी ज्यादा श्रीमान भाऊ शॉक्ड रहते हैं। फुल मुका मातम गेम चल रहा है, फुल मुका मातम, बात ही नहीं हो रही एक दूसरे से, कोड वर्ड में बातें चल रही है गाइस। आई गो रिकॉइल कंट्रोल है किसका? एनिमीज अहेड। ए चेतन, चेतन जायरो यूज करता है? हाँ। इतना रिकॉइल कंट्रोल होता है उससे? हाँ। आई शिपट। नाइस चेतन यार, क्या खेल रहा है चेतिया, चू भी बादशाह खेल रहा है। ओए भाई शिव, नाइस यार, उनके मार्क के लिए खा रहे। मर गया, मर गया, मर गया चेतन, मर गया वो। अरे सेफ जोन। तुम्हें पता है क्या अभी है ना गाइस, मुझे ना जोन कहां पे आता है ना ये प्रेडिक्शन करना मैं सीख गया हूं। 2v3 वन साइड गेम प्ले हो सकता है, हो सकता है जीत सकते हैं। ओए शप्पो, बाप रे, वो देख पेड़ के पीछे। अरे चेतन पेड़ के पीछे मारना बेटा, मार मार यार। सेक्सी गेम प्ले, अबे भेंडी क्या खेल रहे हैं बंदे। एक ही बचा है, एक ही बचा है, एक ही बचा, एक ही बचा। इतना आराम से जीत जाओगे, आराम से जीत जाओगे, वन साइड जीत जाओगे, इज्जत है। क्यों एक ही बचा है? थ्री रहेगा तो। अरे तू सेफ जोन जा शिव, बैंडेज लगा रहा भाई। ये देख 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 देख, ए तेरे बिंदी नारी इंडे ने गुल्ले ने गुल्ले नारी इंडे जा दे 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 जागोरो के सही यहाँ मार सके ना कोई, इससे पहले आप तो इसे बहुत बार सुने होंगे। और अगर आप मानते नहीं हो तो नेक्स्ट मोमेंट देख के मान भी जाओगे, जहाँ पे एक रैंडम बंदा है रेगल्टोस और उनकी टीम के साथ खेल रहा होता है और उसकी गेम प्ले देख के सोल की पूरी टीम शॉक के साथ साथ कंफ्यूज भी थी। वो बंदा ऐसे ऐसे जगहों से क्लच कर रहा था ना, द पीरोएस्ट ऑफ द पीरोएस्ट लोग भी शायद से नहीं कर पाते। मार के, बहुत बढ़िया, ये देखिए दो ही जन आए थे। सुनो हमें लग रहा है ओम भाई टीम में कुछ गड़बड़ है। ओम जी शॉटगन निकाल लिए, आइए। टैप टैप क्यों मार रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। नहीं मेरी गिल्ड बहुत पता नहीं ग्लिच की चल रहा है मेरे। 360 देख रहे हैं, देख ले। ओम भाई आप एफपीपी करके खेल रहे हो क्या? नहीं पर हट हट हट, ओए वो उसको कोई और मार दिया। जॉर्ड भाई नहीं हील करो, लग गए मैं फिनिश डालो पीछे। हालत देखो दोनों की हालत देखो, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ बस भाग जाओ। अरे सीधा भागो, इधर टीपी भी लो और हील करो। अरे सुनो पीछे देखते रहो। अरे क्या लगा रहे हैं? अरे तुम कहाँ भाग रहे हो? पैनिक कर रहे हो? पैनिक कर रहे हो? एक मिनट में बहुत कब भर जाएगा भाई। बहुत अजीब मोमेंट है। ओम भाई की ओर, हाँ भाई वो बंदा आया भाई, इतना अच्छा मार रहे हैं मोमेंट थोड़े। सुनिए ये आखिरी बार आपने फिनिश भाई, ठीक है इसके बाद कभी फिनिश मत करना जब दो जन होंगे। ओम भाई अरे ये आपने बोला ना कभी नहीं करता। आप मार अच्छा रहे हो पर आपकी मोमेंट को क्या हुआ? आईपैड पे आया वो भी, मतलब स्विच किया पहले आईफोन पे था। अच्छा वो आपका मोमेंट ना बहुत अजीब है, बता रहा हूँ कुछ दिक्कत है आपको जॉयस्टिक का। और आप लेफ्ट से देखो यहाँ पे, यहाँ से राइट से देखो दिखेगा आपको, इतना अच्छा मार रहे हो भाई। फाउल्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं लास्ट एंड फाइनल स्ट्रीमर के पास, जो है रेवल। और रेवल और वाइपर रैंडमली दो बच्चों के साथ मिलते हैं, जो रेवल और वाइपर की जबरा फैन होने के साथ साथ बहुत अच्छा खेल भी ले रहे होते हैं। और वो चारों मिलकर इतना अच्छा खेलते हैं कि कुछ ही मिनटों में पूरा एंगल साफ कर देते हैं। और इसी से रेवल और वाइपर दोनों बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और इतने इंप्रेस होते हैं कि दोनों को एड फ्रेंड करते हैं और बाद में खेलने का वादा भी करते हैं। चलो चलो
पुटिंग के टॉप पूरा डाल दिया रे एकदम मजाक पे मूड में नहीं लग रहा है मेरे को राइडर हैवी राइडर लोग है अरे भाई रेवेल भाई कहाँ पड़ा जल्दी बता वादा तो वादा है भाई हम तो वैसे भी कर लेता हारता तो भाई क्या मार रहा है बे भाई पर भाई गलत बे 20 33 35 किल्स ब्रो हेवी दिया रे हेवी दिया हाँ फाउल्स यहाँ पे समाप्त होता हमारा आज का वीडियो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी दिखाइए भाई रैंडम बंदों का अनबिलीवेबल कमाल और उसका सॉरी फाउल्स हमारे कुछ वीडियोस में एक दो दिन डिले हुआ है और इस चीज को हम जल्द से जल्द इन फ्यूचर फिक्स भी कर देंगे तो टेंशन नॉट और आप अभी जल्दी जाके हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो क्योंकि ना वहाँ पे भी बहुत खतरनाक न्यू अपडेट्स आने वाले हैं और उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को क्योंकि ना ऐसी मजेदार और यूनिक वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं तो फिर मिलते हैं हम ऐसे कुछ मजेदार मोमेंट्स के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू लेटर।